हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉइंस बैग वाला पजल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास 10 बैग्स हैं और हर एक बैग में 10 कॉइंस हैं। हर एक कॉइन का वेट है 10 ग्राम, पर इसमें से एक बैग ऐसी है जिसमें है 9 ग्राम वाले कॉइंस, पर वो कॉइंस दिखते हैं 10 ग्राम की तरह शेप और साइज में। तो आप देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये कॉइन 9 ग्राम का है या 10 ग्राम का। आपके पास एक वेट मशीन है, तो आपको एक ही बार वेट करना है और फाइंड आउट करना है कि इन 10 बैग में से ऐसी कौन सी बैग है जिसमें 9 ग्राम वाले कॉइन्स है। आपके पास 20 सेकेंड है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी बैग है जिसमें कॉइन्स 9 ग्राम के हैं। तो पहले इन सब बैग को नंबर दे देते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिससे फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि कौन सी बैग है। तो पहले इसे कॉम्प्लिकेटेड पजल के लिए हम कम बैग लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास सिर्फ 3 ही बैग है। तो हम क्या करेंगे, पहले बैग में से एक कॉइन निकालेंगे, दूसरे में से 2 कॉइन निकालेंगे और तीसरे में से 3 कॉइन निकालेंगे और उन सब कॉइन्स का वेट करेंगे। तो उन सब कॉइन्स का वेट आना चाहिए था 60 ग्राम्स, पर उसमें से एक बैग फॉल्टी है तो उसका वेट कम आएगा। अगर वेट 60 ग्राम से 2 से कम आया तो बैग होगी दूसरी। अगर वेट 3 ग्राम से कम आया तो बैग होगी तीसरी। सेम लॉजिक हम 10 बैग पे अप्लाई करेंगे और हर एक बैग में से उसका काउंट जितना है उतना कॉइन्स निकालेंगे, जैसे कि 4th बैग में से 4 कॉइन निकालेंगे, 5th में से 5th, और सब कॉइन्स का एक साथ वेट करेंगे। सबका वेट एक साथ करने पे सबका वेट आना चाहिए था 550 ग्राम्स, और 550 ग्राम से जितना भी कम होगा उतने नंबर की बैग फॉल्टी है। तो ये है स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने की, पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। हम इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम 10 नंबर के बैग को स्किप कर देंगे, मतलब वो वेट में नहीं लेंगे, हम सिर्फ 9 तक ही कॉइन्स लेंगे। तो हो जाएंगे 450 ग्राम्स, मतलब टोटल वेट होना चाहिए था 450 ग्राम्स। अगर 450 ग्राम से जितने भी नंबर से कम आएगा वेट उतनी नंबर की बैग होगी, अगर सेम 450 ग्राम्स होगा तो बैग 10 होगी। ये था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। क्या आपको आया यह आंसर? अगर आया हो तो कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे थे रेडल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।